प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में अखनूर कस्बा के हनुमान चौक से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें दीवान साहिब को फूलों से सजाया गया था। वहीं पांच प्यारे भी इस नगर कीर्तन में शामिल हुए। वहीं इस नगर कीर्तन के आगे सिख युवक सफाई करते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि इस मौके पर गतका पार्टी ने भी अपने जौहर दिखाए। इस नगर कीर्तन की रौनक लग रहा है। इस खुशी में उन्होंने भी अपना प्रोग्राम देख रहे हो जरा ठाठा मार रहा एक काट है। ये आज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे 357वें प्रकाश पुरब नु मुख रखते हुए अखनूर दी तमाम संगत जिन्होंने आज नगर कीर्तन के रूप दे विच आज अपने गुरपिता दा वो गुरपिता जिन्होंने मनुखता दे लई जिन्होंने किसी विशेष वर्ग दे लई नहीं मनुखता ले अपना सारा परिवार वारिया अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी जो दिल्ली चांदनी चौक दे विच जाके शीश कटवाया अपने छोटे साहबजादियां नू सरहंद दी नीहां दे विच चनाया पूरा परिवार उन्होंने अपने सरबंस दे वास्ते वारिया अज वो जिहड़ी मानवता दी जिहड़ी लुकाई है उस लुकाई दा आप जी दृश्य देख रहे हो जिथे ना सिर्फ सिख बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एकत्र होके इस पर्व नू मनान जा रहे। मैं विशेष तौर पर जिथे समुची मानवता दे विच अज बहुत वड्डी जरूरत है कि हर धर्म मजहब दे नाल प्यार करिए हर धर्म मजहब नू नाल लेके चलिए अज उसका मैसेज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पुरब तो असीं देना चाहते हैं और जिथे तक भी आप जी के जिन्हें भी स्रोते सानू सुन रहे उन्होंने सारिया नू अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पुरब की लख लख वधाइयां और इस विशाल नगर कीर्तन दे विच सारे जिन्हें असीं जुड़ के इस मानवता की लुकाई का भला मनन का यतन करिए। इतनी बेनती है प्रवान जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट पीजी डिप्लोमा डिप्लोमा सर्टिफिकेट कॉन्टैक्ट अस फॉर एडमिशंस। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।